नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हिसार अनाज मंडी में हुई। इस बैठक में अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अपने अनाज मंडी दौरे के दौरान कहा कि 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, मगर गेहूं खरीद के लिए सरकार की तरफ से मंडियों में कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं है, जबकि गेहूं खरीद के लिए मंडियों में सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, जिसमें गेहूं खरीद, गेहूं उठान और फसल का भुगतान समय सीमा पर किया जाए। बजरंग गर्ग ने सरकार से अपील की है कि किसानों को गेहूं खरीद पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। गेहूं का MSP 2015 रुपये प्रति क्विंटल बहुत थोड़ा है। बजरंग गर्ग ने कहा कि किसान भवन में किसानों के ठहरने, चाय पानी व खाने की कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार को तुरंत प्रभाव से प्रदेश के सभी किसान भवन में किसानों के ठहरने, चाय पानी व खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है और व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। हिसार से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल 2022 से पूरे प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है, गेहूं खरीद के लिए हरियाणा के जितने भी मंडियां हैं, जितने भी सैकड़ों सेंटर बने हैं, उनके अंदर मूलभूत सुविधा की काफ़ी कमी है। सरकार की तरफ से पीने के पानी, सफाई की व्यवस्था, यहाँ तक कि गेहूं खरीद की तुरंत व्यवस्था की जाए। किसान भवन के अंदर किसानों को ठहरने के लिए व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जो गेहूं खरीद करे, गेहूं खरीद का भुगतान 72 घंटे में हो और उसका उठान 24 घंटे के अंदर गेहूं का उठान सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार करना चाहिए। जबकि सरकार ने गेहूं का MSP 2015 रुपये किया हुआ है, सरकार को किसानों को 200 रुपये कम से कम काउंटर के हिसाब से बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए, ताकि किसान जो है अपने अच्छे ढंग से कुछ अपनी गेहूं को बेच सके। और यहाँ तक कि अब जो मंडियों में गेहूं की परचेज हो रही है, FCI क्या है, गोदामों में गेहूं लगाने में आनाकानी कर रही है। हिसार की मंडी से जो 2 ट्रक खरीद करके FCI गोदाम में भेजे गए, FCI के अधिकारियों ने वो गेहूँ उतारी नहीं, क्योंकि वो उनको चाहिए सेवा स्वरूप। वो चाहते हैं कि हमें पर कट्टे के हिसाब से कुछ पैसे मिलेंगे जब जाके उतारेंगे। तो मेरी केंद्र सरकार से और स्टेट सरकार से अपील है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो किसान की गेहूँ सरकारी एजेंसियों ने खरीद ली, सफाई करके सुखा कर बोरी में डालकर FCI गोदाम में जब अनलोडिंग करने के लिए जाते हैं, FCI के अधिकारी सेवा स्वरूप बिना वो गेहूँ नहीं उतारते, जिसके कारण मंडियाँ गेहूँ में भर जाती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती है और FCI गोदाम के बाहर लाइन लग जाती है। तो सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमारी मांग है और समय पर फसल का भुगतान हो। और यहाँ तक कि जो 72 घंटे में गेहूं का भुगतान होगा, उसके साथ साथ आड़तियों, कमीशन और पलेदार की मजदूरी भी सरकार को तुरंत प्रभाव से 72 घंटे के अंदर करनी चाहिए। जबकि सरकार ने पिछले सीजन की जो गेहूं परचेज हुआ था, उसका कमीशन 11 महीने के बाद आड़तियों कमीशन दिया और 11 महीने के बाद पलेदारों को मजदूरी मिली, जिसके कारण बड़ी भारी दिक्कत आड़ती और पलेदार को आई है। भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।